हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे कच्चे आम से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी लौंजी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने चार आम ले लिए हैं। आम के ऊपर के पार्ट्स को हमें अलग कर लेना है, इस तरीके से अलग कर लेना है काट के, और इसको चाकू के सहायते से छिलके को अलग कर लेना है, या आप चाहें तो छिलनी के सहायते से इसको छिल सकते हैं। तो इस तरीके से सारे आम के छिलके अलग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने छिलके अलग कर लिए हैं और अच्छे से आम को धो लिया है। अब आइए इसमें हम कट लगाते हैं। तो पहले बीच से हम कट कर लेंगे और फिर ऐसे कट करेंगे, क्योंकि इसमें बीच में गुठलियाँ होती हैं। तो अभी गुठलियाँ नहीं हैं, अभी बीज है, क्योंकि आम बहुत छोटा है। तो बीज को अलग कर लेंगे और फिर बीच से इस तरीके से कट करेंगे और इसके छोटे छोटे, इतने छोटे टुकड़े करेंगे, एकदम मीडियम साइज़ के, ना ही ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा। तो इसी तरह सारे आम के बीज को हमें अलग कर लेना है और कट कर लेना है इस तरीके से। आप देख सकते हैं हमने कैसे कट कर लिया है। तो इसी तरह सारे कट कर लिए हैं, देख सकते हैं बहुत ही बारीक, ना ही ज़्यादा मोटा ना ही ज़्यादा पतला, और बीज को भी अलग कर लिया है। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गैस पे रखेंगे कढ़ाई और इसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में बहुत ही टेस्टी बनता है। और अब इसमें हम डालेंगे दो लाल मिर्च सूखे वाले और एक दाल इलायची का टुकड़ा, एक लौंग, एक इलायची और 2 तेज़पात और एक चुटकी हींग, 1/4 चम्मच सौंफ, सौंफ से बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है, और 1/4 चम्मच जीरा, और 1/4 चम्मच मेथी, इसे हम पचफोरन भी बोल सकते हैं। तो इसे अच्छे से जला लेंगे। तब हम इसमें आम को डालेंगे और आम को भी इस तरीके से भून लेना है हमें थोड़े देर, ताकि आम हमारे एकदम सॉफ्ट हो जाए। और हल्का सा नमक इसमें डाल देंगे, 1/4 चम्मच नमक से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है गैस। इस तरीके से हमें भून लेना है थोड़ी देर। उसके बाद इसमें 4 गुड़ के टुकड़े हमने कर लिए हैं, उसे डाल देंगे। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं इस गुड़ के जगह पे, और इसे हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे 4 चम्मच, और ताकि गुड़ हमारे अच्छे से घुल जाए, और इसे पकने देंगे। आइए मसाले डाल लेते हैं। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा और काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी। अब इन सारे मसाले को हमें मिला लेना अच्छे से। मिला के अब हमें इसे कुक करना है इस तरीके से। बहुत ही बढ़िया चटनी बनती है लौंजी। आप चाहें तो पराठा, रोटी, दाल चावल, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो एक बार आइए इसे हम देख लेते हैं। अभी बहुत ही पतला है इसका ग्रेवी, तो अभी हमें इसे पकने देना। देख सकते हैं आप किस तरीके से हमारे आम एकदम सॉफ्ट हो गए हैं फ्रेंड्स। इसी तरह आप भी बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। अभी तो गर्मियों में बहुत ही टेस्टी लगता है, गर्मी के दिन में भी आम मिलते भी हैं। तो उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा आप। तो आइए अब हम सर्व कर लेते हैं। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा गाइस। मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस।